हेलो गेस्ट वेलकम बैक टू द चैनल और आज का एक और व्लॉग में आपका स्वागत है स्वागत करते जाएंगे हम आज कुछ बात होगी सीरियस अभी आज का क्या टाइम हो रहा अभी रात के छः बजने वाले हैं शाम के और मेरी क्लास थी दोपहर में क्लास खत्म हो गई उसके बाद मैं खाना खाया थोड़ा चिल करा नेटफ्लिक्स देखा एंड ऑल दैट मैं टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हैं बना आज कल तो अभी आ, मेरे को थोड़ा काम है जो है मेरे को थोड़ा चिकन बनाना है तो चिकन रखा हुआ है मतलब फ्रीजर में से निकाल के बाहर रखा हमें चिकन वो वो करना है और कुछ इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करेंगे जो कि है ट्रेड कोर्सेस रिलेटेड जो ऑस्ट्रेलिया में नया सदमा मिल गया अपने बच्चों को जो भी न्यू साउथ वेल में है करेंटली एंड वहाँ पे ट्रेड कोर्स कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है और वो सदमा क्या है वो आगे जा मालूम होता चलो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में खाने के लिए स्पेशली कुछ चीजें करनी पड़ती हैं आपको मतलब मोस्टली सेल्फ कुकिंग आपको आना थोड़ी बहुत जरूरी है बिकॉज इवन आप अगर शेयर करें अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या रूममेट्स हैं हाउस मेट्स है जो भी उनके साथ शेयर भी करें तो वंस इन अल यू शुड नो हाउ टू कुक आई ऑल्सो कुक सो वंस इन अवाइल आई मेक सम चिकन बहुत ही फास्ट बन जाता मोस्टली लोग हम क्या करते हैं सबके पास एक ऐसा ओवन आता ठीक है तो ओवन सबके पास रहता घरों में मैक्सिमम लेकिन अपने इंडियंस को वो लोग यूज़ नहीं करते हैं। मैं तो काफ़ी वीडियोस भी देखा ओवन में क्या क्या सामान सामाना रख दे रहे हैं मतलब बर्तन वर्तन रख दे रहे हैं लेकिन मैं क्या करता हूँ मैं यूज़ करता हूँ ओवन ओवन यूज़ बोलो तो अपन केक वेक तो बनाते नहीं तो अपन क्या करते हैं नॉर्मल चिकन बेसिकली ओवन में बहुत सिंपल रेसिपी के साथ कैसा बनाना स्पेशली फॉर स्टूडेंट आपको कुकिंग नहीं आती इंडिया से कोई सिक्के नहीं आया कुछ भी नहीं आया लेकिन ये चीज़ आप फिर भी कर सकते हैं फॉलो क्योंकि बेल मिनिमम है ठीक है अगर ये आ गया आपको तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ओके लुक्स लाइक ये पिघल गया तो बेसिकली इसको अपन निकालेंगे पानी में से पहले पानी फेंक देंगे ओके नेक्स्ट थिंग इसमें वी विल एड स्पाइसिस बेसिक स्पाइसेस रहते भाई ज्यादा सोचना नहीं नमक मिर्ची अदरक लहसन सर देना धना धन थोड़ा गरम मसाला भी डालना तो क्या है गरम मसाले से जरा किक का था। तो आप, ये सारा आइटम आपको अदरक लहसन में इंडियन स्टोर पे सब मिलता है है पे टेंशन नहीं और अपने देसी हाउस होल्ड में कुछ भी कौन से भी डब्बे में रहता मालूम ना तो परेशान नहीं होने का रहता ऐसा खोलना डब्बा खोल के धना धन मसाला लगा देना इसमें ये होने के बाद मिक्स कर देंगे थोड़ी देर इसको मैरिनेशन के लिए रख देना मैरिनेशन रखने के बाद रही बात जो नया सदमा आया क्या सदमा आया उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे जब तक वो मैरिनेट होते रहता बेसिकली बेसिकली okay, हुआ क्या रिसेंटली एन की एस लिस्ट आई ठीक है एस ओ एल वो तो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो कि हर साल रिलीज़ होती तो उसमें क्या रहा था एक ऑक्यूपेशन्स कौन से कौन से ऑक्यूपेशनस है जिसमें एन एस डब्ल्यू गवर्नमेंट आपको नॉमिनेशन दे सकती ठीक है इसका मतलब बेसिकली क्या रहा था वो तो हर साल गवर्नमेंट uh, के पास एक कोटा आता जिसमें नॉमिनेशन करती गवर्नमेंट जिससे आपको पंद्रह पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके बारे में डिटेल कहीं और जाएंगे लेकिन बेसिकली इट्स अ लिस्ट ऑफ ऑक्युपेशंस व्हिच आर एलिजिबल फॉर नॉमिनेशन फॉर पीआर ठीक है तो ये पॉइंट है अभी क्या था हर साल ट्रेड ऑक्युपेशंस जो भी रहते थे जैसा प्लम्बर है आम, और क्या है प्लम्बर मैकेनिक कारपेंटर शेफ ऐसे ट्रेड ऑक्युपेशंस में पी आर ईजी रहता था लेकिन ये साल एन एस डब्ल्यू में एस ओ एल लिस्ट में से ये सारे ट्रेड ऑक्यूपेशंस हटा दिए जो कुछ जो कोई भी लोग जो ट्रेड कोर्स कर रहे थे एन एस डब्ल्यू एरिया में ठीक है एन एस डब्ल्यू में जो भी ट्रेड कोर्स कर रहे थे वो लोगों को अभी नॉमिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते वो लोग ये साल से या ये साल अब वो बाद में अपडेट हुआ तो बाद में होता लेकिन अभी के लिए दे आर नॉट एलिजिबल तो ये बड़ा सदमा है जो भी अगर PR हासिल करने के लिए उन्होंने पढ़ रहे थे स्पेशली मोटर मैकेनिक बनने के लिए कारपेंटर बनने के लिए जस्ट पी के लिए अगर कोई ट्राई कर रहा था उसको अभी वो नहीं मिलेगा ठीक है उनके लिए अभी ये स्कीम ख़त्म हो गई ये स्कीम उनके लिए हाइज नहीं है। समझ रहे हैं ना तो ये स्कीम हटा दिए तो इसके ऊपर काफ़ी सारे इंटरनेट मीम्स बन रहे हैं बहुत सारे तो मैं थोड़े शेयर करता हूँ आप देखो क्या है इसके ऊपर सीन क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्की हो गया बहुत नुकसान हो गया अपने बच्चों का होप कि दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं होना या फिर उधर वाले कहीं और दूसरे स्टेट में जाके अप्लाई कर सके क्या है क्या नहीं वो उसका बाद में मालूम होता और शायद ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये लिस्ट अभी के लिए है क्योंकि कोविड में वो लोग चाह रहे हैं कि जो मेन डिमांड वाले हैं उसको पहले फिल करना इसके लिए नॉमिनेशन नौ, कोविड के लिए रोक दिए होंगे लेकिन शायद अगले साल खुल जाए या अभी यही साल में थोड़े दिन के बाद अपडेट हो जाए तो वो चीज़ अपने को भी मालूम नहीं लेकिन शायद ये चीज़ अपडेट हो सकती अब फिलहाल बाहर हो रही बारिश देखो बाहर का वेदर अभी आज अंधेरे में तो दिख रहा नहीं होगा क्योंकि शाम हो गई यहाँ पे तो अब नेक्स्ट काम करना है अपने को मैरिनेशन करके रखते हैं मैरिनेशन हो गया आई थिंक अराउंड एक डेढ़ घंटा दैट इज़ इनफ अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा करो जितना ज़्यादा करें उतना अच्छा हो जाता कहते सुनने में आना चाह तो अब हम लेंगे ट्रे ट्रे लेके रख देंगे इधर और यहाँ से निकालेंगे फॉइल ये आ गया फॉइल फॉइल आने के बाद अभी इसके ऊपर हम लगाएंगे चिकन तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ फॉर वाइल उसके बाद थोड़ा तेल भी लगाएंगे बस रखना क्या है बेसिकली नॉर्मली अगर आपके पास लेग पीस वगैरह है तो थोड़ा अरेंज करके रखना रहता लेकिन मेरे पास है ये स्मॉल कट वाले पीसेस थोड़ा थोड़ा फैला फैला के रखे तो इट कुक्स इवनली ना दिस डिपेंड्स अगर आपको बिना ऑयल के खाना है इफ़ आर हेल्थ कॉन्शियस यू कैन बिना ऑयल के भी लेकिन अपन ऑयल डालेंगे थोड़ा ये ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल कभी ग्रॉसरी बताएंगे थोड़ा ऑयल ठीक है अब इसको बेसिकली ग्रिल पे रख देंगे ये है ग्रिल ऑप्शन अंदर नाउ कीप चेकिंग थोड़ी देर के बाद पक्के रेडी हो जाता सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कैसा दिख रहा लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी रेसिपी जो कि आप यू कैन कुक वेरी इजीली ओके तो यही था इस वीडियो में बोलने का मकसद थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो एंड गेट गेट नोटिफाइड न हाँ uh, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो कोई भी कमेंट रहे कोई भी आपके पर्सनल क्वेरीज रहे इंस्टाग्राम पे आई एम वेरी एक्टिव तो वहाँ पे आके डीएम कर सकते हैं आप एंड गेट एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स बुक चलो